फ्रेंड्स, राष्ट्रीय परिदृश्य का ये सेकंड वीडियो है और पहले वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके बाद में आई बटन ऊपर दिया गया है, आई बटन से भी आप वीडियो तक जा सकते हैं। चलिए इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं कि हाल ही में दूसरी भारत अमेरिका सामरिक ऊर्जा साझेदारी की मंत्री स्तरीय बैठक कब आयोजित हुई। तो ये आयोजित हुई थी 17 जुलाई 2020 को और इस बैठक की अध्यक्षता की किसने की थी, तो अध्यक्षता जो है वो अमेरिका और भारत ने संयुक्त रूप से की थी, यानी कि इसकी सह अध्यक्षता हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि सह अध्यक्षता अमेरिकी ऊर्जा सचिव डैन ब्रोडलेट और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा की गई। और अगली न्यूज इंडिया आइडिया शिखर सम्मेलन से है कि जुलाई 2020 में इंडिया आइडिया शिखर सम्मेलन की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजन संपन्न हुआ। इस वर्ष शिखर सम्मेलन का थीम क्या है, तो देखिए किसी भी जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था हुआ या उस कोई परिषद हुई, उसकी जो बैठकें होती हैं उनका थीम बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इंडिया आइडिया शिखर सम्मेलन की जो थीम थी उसका थीम था बेहतर भविष्य निर्माण। अब चूँकि सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ था इसलिए कहाँ सम्मेलन संपन्न हुआ इस बात का कोई प्रश्न ही नहीं बनता कि ये चीज़ पूछा जाए। मेजबानी जरूर पूछा जा सकता है कि इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा की गई और इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1975 में हुई थी। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा कब भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन प्रदान किया गया, तो 23 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्रालय के द्वारा भारतीय सेना के महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। तो डेट यहां याद करना ज़रूरी है कि 23 जुलाई 2020 को। और यहां पर एक चीज़ ये महत्वपूर्ण है कि ये जो है अस्थायी कमीशन का आदेश किसने दिया था, तो ये उच्चतम न्यायालय ने दिया था। देख सकते हैं कि 17 फरवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को भारतीय सेना में उन सभी महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया था जो इसका विकल्प चुनते हैं। तो इस प्रकार से अस्थायी जो है कमीशन जो है उन्हीं को प्रदान किया जाएगा जो इसका जो है विकल्प का चयन करेंगे, जो इसका विकल्प चुनेंगे। 14 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किया। प्रज्ञाता के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला विकल्प है कि प्रज्ञाता दिशा निर्देश शिक्षकों के दृष्टिकोण से विकसित किया गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्रज्ञाता दिशा निर्देश को शिक्षकों के दृष्टिकोण से नहीं विकसित किया गया है बल्कि इसे विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से विकसित किया गया है, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से विकसित किया गया है। अगला है कि प्रज्ञाता दिशा निर्देश में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के 8 चरण शामिल हैं, तो इसमें 8 चरण शामिल हैं, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कि इन दिशा निर्देशों के तहत कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन ऑनलाइन पढ़ाई की समयावधि निर्धारित की गई है, तो ये समयावधि निर्धारित की गई है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। अगला है कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्र प्रतिदिन 30 से 45 मिनट के अधिकतम 2 ऑनलाइन सत्र में शामिल होंगे, तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो जो 1 से 8 तक के छात्र होंगे वो 30 से 45 मिनट के प्रतिदिन 2 ऑनलाइन सत्र में शामिल होंगे और वहीं कक्षा 9 से 12 तक के जो छात्र होंगे वो प्रतिदिन 4 ऑनलाइन सत्र में शामिल होंगे और उनकी भी जो समयावधि होगी वो 30 से 45 मिनट ही होगी। और नेक्स्ट है कि 14 जुलाई 2020 को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोबा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड किए जाने की घोषणा की है। कोबा रिजर्व फॉरेस्ट असम के किस जिले में स्थित है, तो यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसको हाल ही में एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया। चूँकि कोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो है इसको 1924 में रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था, तो अब जो है 1924 के बाद से अब 2020 में इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में ये किस जिले में, असम के किस जिले में स्थित है, तो ये असम के धेमाजी ज़िले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि असम का कौन सा नया वन्यजीव अभयारण्य है, तो वन्यजीव अभयारण्य यही हो जाएगा कोबा रिजर्व फॉरेस्ट। और आपको बता दें कि इसका जो विस्तार है वो 10,522 हेक्टेयर में इसका विस्तार है। ठीक है, और अगला न्यूज बहुत महत्वपूर्ण है, भारत ऊर्जा मॉडल फोरम। देखते हैं कि जुलाई 2020 में भारत ऊर्जा मॉडल फोरम का शुभारंभ किया गया। इस फोरम के संबंध में विकल्पों में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। पहला है कि 2 जुलाई 2020 को भारत ऊर्जा मॉडल फोरम का शुभारंभ सतत विकास स्तंभ के संयुक्त कार्य समूह की बैठक में किया गया, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसका शुभारंभ जो है सतत विकास स्तंभ के संयुक्त कार्य समूह की बैठक में ही किया गया। भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम के लक्ष्यों में महत्वपूर्ण ऊर्जा और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक मंच प्रदान करना शामिल है, यानी कि जो इसका उद्देश्य है जो कि इस बैठक में ऊर्जा और पर्यावरण से संबंधित
जो भी मुद्दे होंगे उस पर जो है डिस्कशन होगा, उस पर जो है विचार विमर्श होगा, और जो हमारे यहाँ कार्बन उत्सर्जन को हमेशा लगातार गिराने की बात होती है, तो इस बैठक में उस जो है मुद्दे को भी शामिल किया जाता है कि किस तरह से प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए ताकि कार्बन उत्सर्जन को लगातार जो है वो कम किया जाए, जो हमारे यहाँ बढ़ता स्तर उसको कम किया जाए, ताकि जो सतत विकास लक्ष्य है SDG है उसको एक प्रकार से प्राप्त किया जाए। अगला है कि प्रारंभिक स्तर पर इस मंच की गतिविधियों का समन्वय ऊर्जा मंत्रालय करेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका समन्वय जो है वो ऊर्जा मंत्रालय के हाथ में नहीं है। अगला है कि इस फोरम में ज्ञान साझेदार डेटा एजेंसियां और संबंधित मंत्रालय शामिल होंगे। तो देखिए चौथा स्टेटमेंट भी इसका सही है। एक और महत्वपूर्ण यहाँ से जुड़ा हुआ तथ्य यह है कि सतत विकास आधार स्तंभ भारत अमेरिकी रणनीति ऊर्जा भागीदार का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो नीति आयोग और USAID की सह अध्यक्षता वाला मंच है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि नीति आयोग और USAID की सह अध्यक्षता वाला ये मंच है। 11 जुलाई 2020 को भारत में किस वर्ष हुई बाघों की गणना ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2018। और यहाँ पर जो है अब इस टेक्निक से जो बाघों की गणना हुई है उसमें 2461 बाघों की पहचान की गई है, और अनुमानित संख्या की अगर बात किया जाए तो 2967 बाघों की अनुमानित संख्या अब हो चुकी है भारत। 15 जुलाई 2020 को 15वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन वर्ष 2020 का वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया। इसका 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 14वां शिखर सम्मेलन जो है 6 अक्टूबर 2017 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में संपन्न हुआ था, और 15वां जो है वो वर्चुअल मोड में हुआ है, इसलिए इसके स्थान के पूछे जाने का कोई प्रश्न नहीं है। उसके बाद में थोड़ा सा यूरोपीय संघ को जान लेते हैं क्या है। दरअसल इसमें 27 देश जो यूरोप से हैं वो हैं, और ये एक प्रकार का राजनीतिक और आर्थिक मंच है, आपस में एक दूसरे के सहयोगी हैं। और नेक्स्ट है कि 8 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने गिर, वर्धा एवं LH जंगलों के नेस क्षेत्रों में रहने वाली राबरी, भारवाड़ एवं चारण जातियों के लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग के गठन का प्रावधान किया या 5 सदस्यीय आयोग के गठन का निर्णय किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। दरअसल गुजरात राज्य के राबरी, भारवाड़ एवं चारण समुदाय के ये जो लोग हैं इनको केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर 1956 को एक अधिसूचना जारी करके अनुसूचित जनजाति ST होने का दर्जा प्रदान किया था। तो इसलिए ये आयोग गठित किया गया है ताकि इनके जो संवैधानिक अधिकार हैं अनुसूचित जनजातियों के, इनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो सके, और इनके जो अधिकार हैं वाजिब तौर पर इन्हीं आदिवासियों को मिल सके, किसी और को जो है ना मिल सके। तो इस प्रकार की इन जनजातियों की देखभाल के लिए, इनके संवैधानिक अधिकारों के लिए इस 5 सदस्यीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और अगला है कि 11 जुलाई 2020 को किस राज्य में देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। 7 जुलाई 2020 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत में नैनो आधारित कृषि इनपुट और खाद्य उत्पादों के मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश जारी किए। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर ऊपर दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करना है। पहला है कि ये दिशा निर्देश नीति निर्माताओं और नियामकों को भारत के कृषि इनपुट और खाद्य क्षेत्र में नैनो आधारित उत्पादों के लिए प्रभावी प्रावधानों को तैयार करने में मदद करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके इनके उत्पादों को प्रभावी बनाने की योजना है। अगला है कि इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किया गया है, तो ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा तैयार नहीं किया गया है। अगला है कि ये दिशा निर्देश NM से बने नैनो कंपोजिट और सेंसर पर लागू होंगे, यानी कि जो नैनो मटेरियल्स हैं उससे बने जो कंपोजिट होंगे और सेंसर्स होंगे उस पर लागू होंगे। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। 9 से 11 जुलाई 2020 के मध्य वर्चुअल सम्मेलन इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि ये सम्मेलन हो चुका है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय था पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व, इसकी थीम थी। ठीक है, क्या थी? पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व। और अगला है कि 5 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की
कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और फेसबुक ने छात्रों और शिक्षकों के लिए डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन कल्याण और संवर्धित आवश्यकताओं पर पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु भागीदारी की घोषणा की। इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला दिया गया है कि इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य ऑनलाइन रहने के दौरान उनकी छात्रों के ऑनलाइन रहने के दौरान उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए भविष्य के कार्यों हेतु उन्हें तैयार करना है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। अगला है कि इस साझेदारी का नेतृत्व फेसबुक फॉर एजुकेशन द्वारा किया जा रहा है, जो फेसबुक की वैश्विक पहल है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है कि यह पाठ्यक्रम सुरक्षा, गोपनीयता, मानसिक स्वास्थ्य और इंस्टाग्राम गाइड फॉर बिल्डिंग हेल्दी डिजिटल हैबिटेट्स जैसे पहलुओं को कवर करेगा, तो तीसरा भी सही है। लेकिन चौथा गलत है कि इस भागीदारी के तहत फेसबुक के पहले चरण में 25,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो शिक्षकों को नहीं बल्कि 10,000 छात्रों को शामिल किया गया है। सरकारी भूमि की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाले उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह इमेजरी का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा। और यहाँ पर देखिए ब्लूइस का जो नाम है पूरा, उसका नाम है बी फॉर भुवनेश्वर, एल फॉर लैंड, यू फॉर यूजर्स, आई फॉर इंटेलिजेंस एंड एस फॉर सिस्टम।